और इस वक्त की बड़ी खबर भीलवाड़ा से है। जी हां, बता दें, हिंदुस्तान जिंक की आगुचा माइंस में बड़ा हादसा घटित हुआ है। हादसे में दो श्रमिकों की मलबे में दबने से मौत हो गई। हिंदुस्तान जिंक की ब्लास्टिंग के दौरान यह हादसा घटित हुआ। आगुचा माइंस में ब्लास्टिंग के दौरान मलबा ढह जाने से यह हादसा घटित हुआ। बड़ा सवाल यही कि आखिर कहां है हिंदुस्तान जिंक के सुरक्षा इंतजाम। यह हादसा घटित हुआ, हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ जब हिंदुस्तान जिंक की इकाई में कोई हादसा हुआ है। इससे पहले भी चित्तौड़गढ़ के पुठोले स्थित प्लांट में दर्जनों हादसे घटित हो चुके हैं। प्लांट के श्रमिकों की मौत के बाद कीमत चुकाकर प्रबंधन से इतिश्री कर ली जाती है। क्या हादसों से सबक नहीं लेता हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन? बड़े सवाल खड़े होते हैं इस हादसे के बाद, चूंकि ये पहला मौका नहीं है। पहले भी इस तरह के दर्जनों हादसे हो चुके हैं। क्या क्यों उड़ाई जाती है जिनके प्लांटों में सुरक्षा इंतजामों की धज्जियां? सवाल यही कि आखिर जानते बूझते जिंक के प्लांटों में सुरक्षा इंतजामों की धज्जियां क्यों उड़ाई जाती है? क्या कोई कराएगा जिंक के प्लांट और माइंस में सुरक्षा इंतजामों की जांच? हमारे साथ सहयोगी नवीन जोशी जुड़ चुके हैं। नवीन, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी दर्जनों मामले आ चुके हैं इस तरह के हादसे के। श्रमिकों की मौत होती है और कीमत चुकाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से हिंदुस्तान जिंक की जो आगुचा प्लांट है, इसमें पहले भी हादसे होते आए हैं और इन हादसों को लेकर जो जिम्मेदार है वो हमेशा अपना पल्ला कुछ ना कुछ मुआवजे के रूप में कुछ चंद रुपए देकर और जिस तरह से भी आपने कहा वो पल्ला झाड़ते आए हैं। मगर जो सुरक्षा उपाय है उसकी किस तरह से अनदेखी की जाती है लगातार ज्योति, इसका नमूना आज जो घटनाक्रम हुआ उससे साफ लगाया जा सकता है। ब्लास्ट किया जा रहा था, ब्लास्ट के दौरान जब श्रमिक आजू बाजू में होते हैं तो सावधानी पूरी बरतने के जो नियम कायदे हैं उनकी कहीं ना कहीं बिल्कुल अवहेलना की गई है और ये तो जांच में साफ हो जाएगा कौन कौन जिम्मेदार है। मगर अभी जिस तरह से पूरा इसमें एक तरह से पूरा जो जिंक का हमला है वो इस पूरे मामले का पर्दा डालने में लगा हुआ है। काफी समय तक तो यही सामने नहीं आने दिया कौन श्रमिक इस मलबे में दबे थे, किनको यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद में भीलवाड़ा रेफर कराया जा रहा है। ये पूरी तरह से जिस तरह से ज्योति ये पूरा एक घटनाक्रम है, ये पूरा कहीं ना कहीं जो जिंक का प्रबंधन है इनकी जो कार्यशैली है उसके ऊपर भी सवाल का निशान खड़ा करता है कि सुरक्षा इंतजाम को लेकर कितना गंभीर है प्रशासन और खास तौर से श्रमिकों को लेकर जिस तरह से हादसा हो गया उसके बाद में भी काफी देर तक गुलापरा पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी नहीं थी कि गुलापरा में जिस थाना सेक्टर में ये घटना हुई है आगुचा माइंस में उस थाने के जाप्तों को जानकारी नहीं थी घटना की ज्योति। जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सहयोगी पीके अग्रवाल जुड़ चुके हैं। पीके, बार बार इस तरह की घटनाएं होती है, श्रमिकों की जान चली जाती है, लेकिन सवाल यहाँ यही, क्या अब भी कोई कराएगा जिंक के प्लांट और माइंस में सुरक्षा इंतजामों की जांच? ज्योति, पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब कहीं हादसा होता है हिंदुस्तान जिंक प्लांट की इकाइयों में तब जाकर के सुरक्षा इंतजामों की बात होती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब जब हादसे हुए हैं तब तब लॉन्डन की स्थिति पैदा हो जाती है, पुलिस प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ती है। स्पष्ट तौर पर साफ दिखता है कि सुरक्षा इंतजामों में खामियां रही हैं, उसकी वजह से ये सारे हादसे हुए हैं। पहला हादसा नहीं है, इससे पहले अपन बात करें 2017 की तो दरीबा माइंस में भी हादसा हुआ था, इसमें भी जान गई थी समय की ले। और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में कुठोली में जो प्लांट स्थित है उसमें अब तक दर्जनों हादसे हो चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि हादसे के बाद हंगामा होता है और हंगामे के बाद में जिस तरह से हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन एक राशि तय कर देता है, मुआवजा राशि से कहते हैं, तय करके और अपने काम की इतरी कर लेता है, लेकिन उसके बाद कभी इस बात की जाँच नहीं हुई कि हिंदुस्तान जिंक के प्लांटों में आखिर सुरक्षा इंतजाम क्या है, किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और निश्चित तौर पर अगर सुरक्षा के इंतजाम हो तो कहीं भी किसी व्यक्ति की जान नहीं जाए, लेकिन लगता है कि ये जितने भी प्लांट और माइंस हैं ये अब मौतों की माइंस और प्लांट हो गए हैं, क्योंकि इनमें सुरक्षा इंतजामों की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती हैं निश्चित तौर पर प्रशासन को, सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि लोगों की जिंदगियां यूं ही नहीं चली जाएं। जी ज्योति, निश्चित तौर पर सरकार को प्रशासन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जांच पड़ताल होगी और उम्मीद करते हैं कि जब फर्स्ट इंडिया प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखा रहा है तो निश्चित तौर पर इस पर कुछ होगा, जांच पड़ताल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।